सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में कई बड़े खुलासे वकील ने किए। उन्होंने ये बताया कि 8 जून को सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कहा था। रिया सुशांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, सुशांत ने ही कुछ दिन के लिए रिया को घर से जाने को कहा। रिया ने जाते हुए सुशांत से कहा था कि कोई जरूरत हो तो वो बात कर सकते हैं। सुशांत की बहन उनके घर आ रही थी, इसीलिए रिया को जाना पड़ा। सुशांत चाहते थे कि बहन के आने से पहले रिया चली जाए। आपको बता दें कि अब तक तमाम सवाल क्योंकि इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, तो ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल थे क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में सुशांत और रिया थे। ऐसे में वकील की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रिया के वकील ये कह रहे हैं कि सुशांत ने ही रिया को घर से जाने के लिए कहा था। सुशांत के साथ रिया के कैसे रिश्ते थे? रिया और सुशांत दोनों एक दूसरे को कई बरसों से जान रहे थे क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 2019 में रिया और सुशांत एक पार्टी में मिले, इसके बाद दोनों के बीच डेटिंग शुरू हो गई। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के घर में काफी समय बिताते थे। दिसंबर 2019 में आखिरकार दोनों मुंबई के बांद्रा में शिफ्ट हो गए और साथ तब तक रहे जब तक रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़ दिया था। सुशांत के परिवार के आरोप पर क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। ये पूरी तरह से बकवास है। 27 जुलाई 2020 तक सुशांत के परिवार से किसी शख्स ने मुंबई पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने आरोप नहीं लगाए। रिया ने आत्महत्या, पैसे की हेरा फेरी और दूसरे दुरुपयोग जैसे आरोपों से इनकार किया है। मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को रिया के वित्तीय दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। रिया को सुशांत के खाते से कुछ भी नहीं मिला है। उसके सभी इनकम टैक्स रिटर्न को पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जाँच किया है। किसी ने रिया के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया। क्या सुशांत के परिवार रिया सुशांत के रिश्ते को मंजूर नहीं थे? रिश्ते के शुरुआती महीने में जब रिया सुशांत के घर गई तो उनकी बहन प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ रहे थे। एक रात अप्रैल 2019 के महीने में रिया और प्रियंका पार्टी में गईं। प्रियंका ने खूब शराब पी और लोगों के साथ बदतमीजी करने लगी, इसलिए रिया ने सुशांत से कहा कि सभी को घर लौट जाना चाहिए। घर लौटने के बाद भी सुशांत और उनकी बहन शराब पीते रहे। प्रियंका की वजह से रिया काफी परेशान थी, जिसके बाद रिया ने घर छोड़ दिया। रिया ने सुशांत को सारी बातें बताई, जिसके बाद सुशांत के प्रियंका के साथ बहस भी हुई। उसके बाद सुशांत और उनके परिवार के रिश्ते खराब रहे। सुशांत की मौत के बाद अंतिम संस्कार में भी रिया का नाम नहीं था, इसलिए वो दाह संस्कार में नहीं गई। क्या रिया सीबीआई जांच अभी भी चाहती है? रिया ने हमेशा से कहा कि निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने आना चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रिया ने खुद कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई को देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या रिया को लगता है कि बिहार पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? क्या रिया मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट है? बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। गैर कानूनी जांच में रिया शामिल नहीं होगी। बिहार पुलिस ने जिस तरीके से जांच की है उस पर रिया को आपत्ति है। रिया को बिना समन दिए बिहार पुलिस मुंबई चली आई। रिया जांच में सहयोग से नहीं भाग रही है। जिस तरीके से बिहार में जांच शुरू हुई उस पर रिया को भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में राजनीति हावी हो गई है? रिया इसकी शिकार हो गई है? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त की सुनवाई में जिस तरह से कमेंट किए गए उससे साफ होता है कि इस मामले में राजनीति ज्यादा है और सच्चाई कम। बिहार में चुनाव को देखते हुए ज्यादातर राजनेता फायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए, तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं रिया के वकील की तरफ से, लेकिन एक बार फिर आपको हम बता दें कि इंडिया टुडे मैगजीन को यह खास इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती के वकील ने दिया और इसमें क्या खुलासा हुआ है। सबसे पहला खुलासा कि 8 जून को सुशांत ने ही रिया को घर से जाने के लिए कहा था, ये बड़ी बात इस इंटरव्यू में सामने आई। दूसरा अहम खुलासा, रिया सुशांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, रिया चक्रवर्ती के वकील का ये कहना है। क्योंकि देखिए, अभी तक आरोपों के घेरे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती परिवार के आरोपों के बाद आई है, उसके बाद ये तमाम बातें बहुत अहम है। रिया ने घर छोड़ते हुए सुशांत को कहा था कि कोई भी जरूरत हो तो वो बात कर सकते हैं। पांचवा बड़ा खुलासा, सुशांत चाहते थे कि बहन के आने से पहले रिया घर से चली जाए। ये खुलासे किस लिए अहम है आप इस पर इसका भी अंदाजा लगाइए। सुशांत परिवार को मुंबई से दूर जाने के बारे में बताना चाहते थे। ईडी को रिया के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।
इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती के वकील ने की हैं। रिया चक्रवर्ती अब तक इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपों से घिरी हुई दिखाई दी हैं, हर एक आरोप का काउंटर आपको रिया चक्रवर्ती के वकील के बयान में यहां पर दिखाई देगा। तो इसीलिए अब ये बहुत अहम है कि आगे ये कानूनी लड़ाई किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि वकील जिस तरह का पक्ष रिया चक्रवर्ती की तरफ से रख रहे हैं उससे ये दिखाई देता है कि रिलेशनशिप में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जैसा कि सुशांत के परिवार का दावा है। लेकिन इस बीच सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने गवाहों की हत्या का डर जताया है। नीरज सिंह का कहना है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन्होंने आत्महत्या की थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीज़ों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। पूरा देश चाह रहा है, लाखों लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द काम शुरू करे, नहीं तो पता नहीं वहां मुंबई पुलिस क्या करेगी, कौन सा विटनेस को खत्म कर देगी। ये तमाम एक दुखद पहलू है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इन चीजों पर तुरंत एक्शन हो और सारे गवाहों को सही रखा जाए और जो भी चीजें सामने हैं उन्हें सामने लाया जाए और घटना का पूरे तौर पर पर्दाफाश हो, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो और कोई निर्दोष न फंसे, ये हम लोग भी चाहते हैं। मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ, आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं। मुंबई पुलिस सही बोला कि मैंने व्यावसायिक ढंग से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यावसायिक ढंग से जरूर पूछताछ कर रहे हैं, वो तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपना उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। जिन दोषी से पूछताछ करना चाहिए उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है आप सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए, उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया, अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया, मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया, तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए सारा वीडियो बनाए तो पंखे पे लटका हुआ है इसका वीडियो कहाँ है, इसका फोटो कहाँ है, और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है, जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा, वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जांच का विषय, बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पर देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। परिवार के तमाम आरोप, लेकिन इस बीच अलग अलग वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के सामने आ रहे हैं जो उनके परिवार की तरफ से रिलीज भी किए गए हैं। सुशांत जब 14 साल के थे तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ था और ऐसे में दोनों के बीच एक अलग किस्म की बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई है, लेकिन ये तस्वीर अब जब आप देखते हैं तो इससे न सिर्फ सुशांत की जिंदादिली का अंदाजा होता है बल्कि सवाल इस थ्योरी पर भी खड़े होते हैं जो बार बार सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बयान दिए गए, क्योंकि परिवार ये वीडियोज इसीलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि वो सुशांत के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू जाहिर करना चाहता है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की जो वीडियो सामने आए, किसी में वो भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। चने के खेत में हुई चोरी, चने के Now there's something weird with the face on my eyes, my hair. Someone knows what it is. तो परिवार लगातार हत्या का शक जता रहा है। परिवार के वकील विकास सिंह ने रिया को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार माना है। सुशांत की मानसिक स्थिति हमारे हिसाब से कभी गड़बड़ थी नहीं, परिवार के हिसाब से, और 2019 तक तो वो बिल्कुल बुलंदी पर थे,
जब तक रिया उनके देश उनके लाइफ में नहीं आई, जब से आई तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कैसे प्रॉब्लम इन्होंने स्टार्ट किए, किस तरह से उन्होंने उनको उनकी मानसिक स्थिति खराब की, क्यों परिवार को नहीं जोड़ के रखा, इसको अगर कोई मामले बहुत सीरियस था तो क्यों परिवार को नहीं जोड़ा, तो हमारा तो पूरा केस ही इसी पर निर्धारित है। और जब छोड़ के गई तो परिवार के किसी को बता के नहीं गई कि अगर कोई मान लीजिए दवाई चल रही है, कोई स्ट्रांग मेडिकेशन चल रहा है, तो कम से कम छोड़ के जा रही थी, फोन ब्लॉक कर दिया, कम से कम बता के जाती परिवार के किसी सदस्य को कि भाई इनका ये ख्याल रखिए, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो हमारा पूरा जो अबेटमेंट टू सुइसाइड है इस पर निर्धारित है। अब जिस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है मर्डर भी हो तो भी वही एक्यूज होंगे, क्योंकि उनके ही उन्होंने सारे स्टाफ बदल दिए। अब स्टाफ क्यों बदले, क्योंकि कुछ ऐसा करना चाहती थी जो चाहती थी उनके नियंत्रण में रहे, जो भी घर में हो रहा है, तो इसलिए वो सारे लोग जो बदल दिए उन्होंने, तो इसलिए किसी भी हाल में परिवार का ये स्पष्ट मानना है कि रिया चक्रवर्ती दोषी ही वही दोषी होंगी और कोई दोषी नहीं हो सकता, चाहे डायरेक्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में डायरेक्टली या कॉन्स्पिरेसी में फॉर मर्डर इनडायरेक्टली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।